वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे हैं बैठक। प्रधानमंत्री आज शाम सर्वेद मंदिर में सदगुरु सदा फलदेव विहंगम योग संस्थान के 98वीं वर्षगांठ समारोह में भी रहेंगे मौजूद। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 5 करेंगे पेश। राज्यसभा में ईडी और सीबीआई निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने संबंधी केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर होगी चर्चा। तीन दिनों तक चलने वाले ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2021 का हुआ आगाज। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, भारत की ज्ञान विज्ञान परंपरा की सराहना के साथ ही भारत ब्रिटेन तकनीकी रोडमैप 2030 के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। जम्मू कश्मीर में पुलिस के वाहन को निशाना बनाए आतंकी हमले में एक और पुलिसकर्मी के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। शहीद पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर हुई 3। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। तेज भूकंप के झटकों से हिला इंडोनेशिया। रिक्टर स्केल पर 7.3 रही तीव्रता। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी। हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आज से होगी शुरुआत। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम कोरिया के खिलाफ खेलेगी पहला मैच। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बेहर मगाला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली है। मारे गए आतंकी के पास से आज एक AK-47 और 4 मैगजीन बरामद हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के जवान इलाके में कल शाम पुलिस वाहन पर आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल एक और जवान शहीद हो गए हैं। गौरतलब है कि कल हुए हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे जबकि 12 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर जानकारी मांगी। श्रीनगर आतंकी हमले पर कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि जैश ए मोहम्मद के कश्मीर टाइगर ने हमले की जिम्मेदारी ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही इस ग्रुप को मार गिराएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल शाम में 6 बजे कि हमारे आर्मर पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नजदीक पहुंचा था, कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरनर था एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए और 2 हॉस्पिटल ने मार्टिरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टिरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये खुरू से पंपोर और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों ने इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नेचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया, एक वेपन स्नेचिंग नहीं हो पाया। और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। तीन टेररिस्ट में 2 फॉरनर था एक लोकल था। देखिए कि हम सब जानते हैं कि उस रोड पर जब गाड़ी हमारी जा रही थी तब तक आरोपी विड्रॉ हो चुकी थी, अंधेरा था और वहां पर कोई लाइटिंग अरेंजमेंट भी रोड पर नहीं था। तो जितना हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट भी कराएंगे, आरोपी को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग कुछ उसमें बीपी व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। सर, क्या आपको लगता है ये अटैक जो है प्लान था, क्योंकि जो बस जो है उस टाइम पे आ रही थी और उनको पता था? बिल्कुल ये प्लान अटैक था और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा, ये देखता होगा कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद शाम में आती है कैंप में, ये डेली रूटीन वर्क में बस आती है जाती थी। और हम लोग को इनपुट बहुत मिला है, उसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं और इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। सिक्योरिटी को
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में सभी मौसम में चालू रहने वाली सड़क यानी ऑल वेदर रोड को चौड़ा करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का फैसला देश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक है। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने दलील दी थी कि सीमा के दूसरी तरफ चीन ने चौड़ी सड़कें बना रखी हैं, युद्ध की स्थिति में सेना और मिसाइल को जल्द पहुंचाने के लिए चौड़ी सड़क की जरूरत है। एक गैर सरकारी संगठन ने सड़क को 10 मीटर तक चौड़ा कर डबल लेन बनाने को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश की रक्षा जरूरतों के आधार पर सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं पर नजर रखने के लिए पूर्व जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे और टी20 कप्तान रोहित शर्मा चोट के चलते दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। रोहित शर्मा की जगह पर प्रियांक पांचाल को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग के वॉन्डर्स में खेले जाएंगे। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी 2022 तक खेला जाएगा, वहीं तीसरा और आखिरी टेस्ट 11 से 15 जनवरी के बीच आयोजित होगा। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम कोरिया के खिलाफ आज एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच से नए सत्र का आगाज करेगी, तो कई युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी। भारत ने 2011 में टूर्नामेंट की शुरुआत से अब तक 3 बार खिताब जीता है। भारत ने 2016 में क्वांटन और 2018 में मस्कत में खिताब अपने नाम किया था। भारत को 14 दिसंबर को कोरिया से पहला मैच खेलना है। इसके बाद 15 दिसंबर को मेजबान बांग्लादेश से सामना होगा। तीसरा मैच 17 दिसंबर को पाकिस्तान से और 19 दिसंबर को एशियाई खेल चैंपियन जापान से खेलना है। सेमीफाइनल 21 दिसंबर को और फाइनल 22 दिसंबर को होगा। भारत की हरनाज संधु ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 21 वर्षीय हरनाज संधु चंडीगढ़ की हैं। इसराइल के इलेट में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हरनाज संधु ने यह खिताब अपने नाम किया। भारत ने 21 साल बाद एक बार फिर यह खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले वर्ष 2000 में भारतीय सुंदरी लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। उनसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी। संधू को वर्ष 2020 की मिस यूनिवर्स मेक्सिको की एंड्रिया मेज ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। वहीं सूर्यवंशी ने बम्पर कमाई करते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर खुद को सुपरहिट कमाई करने वाली फिल्म में लाकर खड़ा कर दिया है। फिल्म ने अब तक कुल 195.04 करोड़ की कमाई कर ली है। फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ की बायोपिक के रूप में बन रही अभिनेता विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर में दो नए कलाकारों की एंट्री हो गई है। अभिनेत्रियां फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा इस फिल्म में साथ नजर आएंगी। बाहुबली फेम प्रभास ने आगामी प्रोजेक्ट के लिए निर्देशक नाग अश्विन के साथ हाथ मिलाया है। इसमें प्रभास के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे। तेलुगु अभिनेता राजेंद्र प्रसाद आगामी वेब फिल्म सेनापति के साथ ओटीटी पर अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं।
पुष्पा द राइज की रिलीज के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। पुष्पा द राइज की देश भर में फिल्म के प्रचार करने के लिए इस फिल्म के प्रचार का निर्णय किया गया है। अभिनेता ऋतिक रोशन ने चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए आयुष्मान खुराना, वाणी कपूर और डायरेक्टर अभिषेक कपूर की तारीफ की है। ऋतिक ने कहा कि आयुष्मान आप भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। Thank you.